इसके पहले आपने टेक रूम पे देखा कि इसमें अभी G85 एंड G88 का कंपैरिजन हुआ था, तो यहाँ पे लोगों ने बहुत कमेंट किया, तो यहाँ पे अब कंपैरिजन होने वाला है G80 वर्सेस मीडियाटेक हीलियो G88। यहाँ पे अनाउंसडेट की बात करते हैं तो हीलियो G80 का जो अनाउंस था ये फरवरी 2020 है, एंड हीलियो G88 का अनाउंस था जून 2021। ऐसे और कंपैरिजन को जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा एंड पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। क्या ये भी सेम है? मैं टॉपिक वही सब है, सीपीयू, ग्राफिक्स, मेमोरी, कैमरा, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, गेमिंग एंड रिव्यू। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, चाहिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमने वीडियो को, तो ऑक्टा कोर दोनों ही हैं, आर्किटेक्चर साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हीलियो G80 में 2 कोर 2 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A75 एंड 6 कोर 1.8 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A55 है। हीलियो G88 में यहाँ पे 2 कोर 2.4 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A75 है एंड 6 कोर 1.8 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A55 है। सबसे मैं एंड हीलियो यहाँ पे सीपीयू फ्रिक्वेंसी बात करें तो G80 में एंड G88 वही सेम 2000 MHz की फ्रिक्वेंसी है। फैब्रिकेशन प्रोसेस में भी दोनों ही सेम 12 नैनोमीटर पे दोनों ही बने हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक में हीलियो G80 के पास है माली G52 MP2 एंड 88 के पास है माली G52 MC2। आर्किटेक्चर में दोनों सेम बाईफ्रॉस्ट। जीपी फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे थोड़ा पीछे है। हीलियो G80 जो आपको 950 MHz की पी फ्रीक्वेंसी देगा G80 की, एंड हीलियो G88 आपको 1000 MHz की पी फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। टाइप में दोनों ही LPDDR4X को सपोर्ट करते हैं, एंड यहाँ पे रैम फ्रीक्वेंसी में दोनों ही जो है 1800 MHz की रैम फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करते हैं। स्टोरेज टाइप में हीलियो G80 बेटर है, यहाँ पे EMMC 5.1 एंड UFS 2.1 दोनों का सपोर्ट करता है, जबकि हीलियो G88 EMMC 5.1 का ही सिर्फ सपोर्ट करता है। वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक पे दोनों प्रोसेसर दोनों ही चीज़ में सेम है। वीडियो कैप्चर वीडियो प्लेबैक में दोनों ही 2K 30 FPS का सी सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम डिस्प्ले में बात करें तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर सेम है, 2520x1080 pixels का दोनों ही सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी में दोनों ही पुराने प्रोसेसर हैं, मीन सॉरी एक पुराना प्रोसेसर एक नया है, तो यहाँ पे दोनों ही 4G प्रोसेसर हैं, एंड 4G में यहाँ पे दोनों में LTE Cat 7 लगा है। ब्लूटूथ में दोनों में ब्लूटूथ 5 ही लगा है। यहाँ पे डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड पे दोनों जो है 4G है, तो स्पीड MBPS में होगी, तो दोनों सेम है, वही डाउनलोड स्पीड 300 MBPS है, अपलोड स्पीड 100 MBPS है। अपने गेमिंग पे हीलियो G80 आपको पोको M2 पे देखने को मिलेगा, एंड हीलियो G88 आपको Redmi 10 Prime में देखने को मिल जाएगा। पबजी मोबाइल के साथ स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम फ्रेम रेट दोनों सेम, ग्राफिक्स एंड फ्रेम रेट दोनों सेम, HD High 3D मोबाइल में यहाँ पे मैक्सिमम फ्रेम रेट दोनों में सेम, ग्राफिक्स दोनों में सेम, मीडियम हाई। यहाँ पे सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्कोर की बात करते हैं तो हीलियो G80 एंड 88 का स्कोर सेम 28। गेमिंग परफॉर्मेंस में यहाँ पे G80 बेटर है, G80 का स्कोर है 18 एंड G88 में आपको 15 स्कोर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लाइफ तो G80 का स्कोर है 54, पुराना प्रोसेसर है, एंड ऑप्टिमाइजेशन के साथ G88 का स्कोर है 60। अंतुतु स्कोर में यहाँ पे G80 का स्कोर है 2,660 लगभग इसके यहाँ तक मिल जाएगा आपको, एंड यहाँ पे हीलियो G88 में भी लगभग यही है 1,94,229। अलग अलग अगर किसी और फोन में देखने को मिला तो हो सकता है इसका अंतुतु स्कोर बेटर हो। नेक्स्ट रेंज पे तो यहाँ पे हीलियो G80 में जो इसका स्कोर है ये 345 एंड हीलियो G88 पे 339 सेम। मल्टी कोर पे यहाँ पे हीलियो G80 का स्कोर है 1,295 एंड हीलियो G88 का स्कोर है 1,276। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे प्रोसेसर दोनों सेम थे।